Hello everyone, so in this video we will see the cabinet and what is kitchen cabinet and what is shadow cabinet and तीनों के sources क्या क्या हैं और functions क्या क्या हैं and how do they differ in their functions. So first begin with the cabinet. So what is the source for the term of the cabinet? ये term cabinet आई कहाँ से? It was inserted by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. It was inserted by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. एंड क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे मेंशन देखा है इस टर्म का? यस, कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, अगर आपको पता है यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट. नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट. ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट. ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट? फंक्शंस क्या है इनके? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी. ठीक है, सो ऑल द इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाई द कैबिनेट मिनिस्टर्स. सो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज, लॉ इम्प्लीमेंटेशन या जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव वर्क्स होते हैं उनका उनको हेड और लीड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द हाइएस्ट एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी. जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले जाएंगे दे आर टेकन बाई द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड दे फंक्शन थ्रू द कैबिनेट मीटिंग्स. सो वी हैव डन विद द कैबिनेट. Now moving ahead with the kitchen cabinet. So kitchen cabinet, it is basically an informal term. Kitchen cabinet is an informal term. So जैसे कि आपको, जैसे आपके घर में होता है, आपके किचन में आपके जो बहुत खास लोग होते हैं वही आपके किचन तक जा पाते हैं. कोई अनयूजुअल से कोई, अगर कोई मेहमान आए उनको तो एंट्री नहीं होती किचन में, या फिर वो खुद भी नहीं जाते हैं. तो उसी तरीके से जो है किचन कैबिनेट उन लोगों की एक, मतलब इट्स अ इनफॉर्मल टर्म बेसिकली जो यूज़ होती है, बट इट इंक्लूड्स पीपल हु आर वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर. सो इट इज़, जैसे कि इनफॉर्मल टर्म है तो उसके लिए कोई सोर्स भी नहीं है. सो देर इज़ नो ऑफिशियल सोर्स, देर इज़ नो ऑफिशियल सोर्स. सो किचन कैबिनेट के हु आर द पार्ट? इट इंक्लूड्स पीपल हु आर क्लोज टू पीएम, लाइक कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फ्रेंड्स और ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स. ठीक, तो एनी वन कैन बी द पार्ट ऑफ द किचन कैबिनेट. कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, नो ऑफिशियल सोर्स, नो इट्स, इट इज़ बेसिकली इनफॉर्मल टर्म. तो कोई दोस्त हो सकता है उनका, कोई जानकार हो सकता है जो बहुत क्लोज हो उनको, उनके प्राइम मिनिस्टर के, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ किचन कैबिनेट. वट आर द फंक्शन ऑफ किचन कैबिनेट? दे बेसिकली अनऑफिशियली असिस्ट पीएम इन डिसीजन मेकिंग. You can write it down. They unofficially assist Prime Minister in decision making. In decision making. Okay. So they, yes, they can affect the decision making powers of the Prime Minister. They are very close to the Prime Minister. So they unofficially basically assist Prime Minister in making some important decisions. Now we will see cabinet, shadow cabinet. This is important for the mains. So what is shadow cabinet? So in India we does not have this system. So India does not have the cabinet, shadow cabinet, but it is a convention in UK. It is a convention in UK. So leader of opposition appoints members from opposition party in shadow cabinet. So leader of opposition, he appoints members from opposition party, from opposition party in shadow cabinet. ठीक है, सो उनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? दे मिरर द फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट. दे मिरर द फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट. क्या मतलब हुआ मिररिंग? क्या इसका मतलब क्या होता है दैट दे मिरर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट? फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लो, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ स्पेस में. दे मिरर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट. तो मान लो जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट इन पावर, उनकी, दे हैव कैबिनेट एंड हियर इट इज
शेडो कैबिनेट, सो देर आर इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज इन द कैबिनेट, दैट इज लाइक होम, फाइनेंस, डिफेंस. सो शेडो कैबिनेट विल मिरर द फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट. शेडो कैबिनेट इन मे बी दे विल बी होम पोर्टफोलियो, फाइनेंस पोर्टफोलियो, डिफेंस पोर्टफोलियो. सो दे कम्प्लीटली मिरर द फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट. अगर यहाँ पे होम पोर्टफोलियो है तो दे विल अपॉइंट उनके जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहाँ से किसी भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को दे विल अपॉइंट एज द हेड ऑफ द होम दिस कैबिनेट एंड ही विल मिरर द फंक्शनिंग ऑफ दिस द रियल कैबिनेट. सो इससे होता क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो वो मेरिट्स क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार. मेरिट्स, इट लीड्स टू बेटर अकाउंटेबिलिटी, लीड्स टू बेटर अकाउंटेबिलिटी. अब मान लो कोई एक रियल कैबिनेट है उनका जो होम मिनिस्टर है और शेडो कैबिनेट में भी एक होम मिनिस्टर अपोजिशन पार्टी ने क्रिएट किया हुआ है. सो ये जितने भी काम करेंगे, जितने भी टास्क करेंगे, रियल जो होम मिनिस्टर है कैबिनेट के अंडर, कैबिनेट, शेडो कैबिनेट, तो जितने भी ये लॉज लेके आएंगे, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करेंगे, जो भी करेंगे, ही विल लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स. सो इससे होगा क्या, ही विल क्रॉस क्वेश्चन दिस रियल होम मिनिस्टर, दिस अपोजिशन पार्टी होम मिनिस्टर विल क्रॉस क्वेश्चन द होम मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट. सो इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है. सिर्फ जो यहाँ पे अपॉइंट करेगी अपोजिशन पार्टी, उस जो शेडो कैबिनेट में जो होम मिनिस्टर होंगे उनका पूरा काम होगा कि ही विल लुक इनटू द ऑल द मैटर ऑफ द होम मिनिस्टर हु इज द पार्ट ऑफ द रियल कैबिनेट. क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुई, क्या लो वो लेके आ रहे हैं. सो ही विल डू ऑल द होमवर्क रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स, देन ही कैन क्रॉस क्वेश्चन हिम इन द पार्लियामेंट. सो इनको जवाबदेही करनी होगी और जब इतने अच्छे से वो होमवर्क करके आएंगे, पूरे रिसर्च के साथ आएंगे, एंड ही विल क्रॉस एग्जामिनिंग हिम, तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू द बेटर अकाउंटेबिलिटी. सो द फर्स्ट मेरिट इज दैट इज बेटर अकाउंटेबिलिटी. सेकेंड, इट लीड टू प्रमोशन ऑफ एक्सपर्टीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपर्टीज. अब जो रियल कैबिनेट है उसमें तो एक्सपर्टीज होती है, लेकिन अब होगा क्या, जो ये यहाँ पे तो कैबिनेट हो गई, यहाँ पे शेडो कैबिनेट हो गई, तो होगा क्या, अगर जैसे यहाँ पर मैंने आपको फॉर एग्जांपल समझाया था कि होम मिनिस्टर है, तो यहाँ पर भी एक होम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा अपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो ही विल इनका एक ही काम होगा सिर्फ, जो शेडो कैबिनेट के होम मिनिस्टर होगा, कि पूरी तरह से जो रियल होम मिनिस्टर है कैबिनेट में वो उनकी फंक्शनिंग को देखना, उनके लॉज, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज कैसे कैसे ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ही विल बिकम एक्सपर्ट. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, नहीं, वो पूरा होमवर्क करेंगे, ही विल लुक आफ्टर एवरीथिंग. वो एकदम शेडो गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, दे कीप इंडल्जिंग देमसेल्फ एंड दे बिकम एक्सपर्ट विद द मैटर्स. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3 अंडर मेरिट्स, दैट इज इट ट्रेन्स द अपोजिशन फॉर फ्यूचर. मान लो अगर कोई जैसे सरकार गिर जाए, मान लो लोकसभा में, लोअर हाउस में सरकार गिर गई एकदम से, तो जो शेडो कैबिनेट है वो एकदम रेडी रहेगी, क्योंकि वो सारी फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनके पास पूरी, उन्होंने अपनी कैबिनेट फॉर्म की हुई है, हर चीज़ के लिए उनके पास मिनिस्टर है उनका खुद का, जो उन्होंने अपोजिशन पार्टी से क्रिएट किया हुआ है. सो ये हमेशा रेडी रहते हैं फिर, कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है कि लोअर हाउस में जो है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते या फिर सरकार गिर जाती है, दे कैन टेक ओवर इमिडिएटली. सो दे हैव रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट, रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर गवर्नमेंट गिर जाती है, सो वहाँ पर पूरी एक शेडो कैबिनेट बैठी हुई है, वो फंक्शनिंग कर रहे हैं अच्छे से, दे आर लुकिंग इन टू ईच एंड एवरी मैटर, दे आर बिकमिंग एक्सपर्ट विद द टाइम, सो दे आर नॉट सिटिंग आइडल इन द पार्लियामेंट, दे आर बेसिकली वर्किंग वेरी हार्ड, दे क्रॉस क्वेश्चन, दे एग्जामिन एवरीथिंग. सो अगर कुछ भी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, देन देर इज अ कम्प्लीट रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट विच कैन टेक ओवर. पॉइंट नंबर 5, लीड टू बेटर काउंटर पॉलिसीज, लीड टू बेटर काउंटर पॉलिसीज. सो दैट इज नॉट जस्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, बट दे वर्क्स, दे नॉट जस्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट वर्क्स, बट ऑल्सो दे प्रोवाइड देयर सजेशन ऑन व्हाट शुड बी डन. तो जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन जो शेडो कैबिनेट है
दे विल मतलब क्वेश्चन, दे विल पुट अप द क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, दे विल प्रोवाइड देयर इंसाइट एज वेल, दे विल प्रोवाइड देयर सजेशन ऑन व्हाट शुड बी डन, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जो रियल गवर्नमेंट है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पॉलिसीज को, कैसे इंप्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कि वो लोगों के लिए काम करते हैं फिर अच्छे से. तो यहाँ से पॉलिसी भी इम्प्रूव होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है. सो इट लीड्स टू बेटर काउंटर पॉलिसीज. सो विद दिस आई एंड विद दिस शैडो कैबिनेट एज वेल, आई होप आपको समझ में आया होगा. और सो थैंक यू सो मच.